राइट सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ओके सो गाइज आज मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके। तो अभी लॉकडाउन है तो आपको पता है कि हम बाहर जाके व्लॉग नहीं बना सकते एंड डेली व्लॉग्स मैं करता नहीं हूँ। ओके क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ खास है नहीं। मैंने दो तीन वीडियो पहले भी रिव्यू की बनाई है तो इस बार भी हम रिव्यू करेंगे इसका। वो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये लाइम गोरिल्ला पॉड, तो इसके बारे में बताऊंगा एंड इसका और ट्रीपॉड का हम वर्सेस करेंगे थोड़ा सा कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपने देख लिया जैसे कि मैंने आपको गोरिल्ला पॉड भी दिखा दिया है, ट्राइपॉड भी दिखा दिया है। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस काम आता है। ओके सो गाइस ये गोरिल्ला पॉड सबसे ज़्यादा ब्लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको आप इजीली ऐसे करके ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं एंड इससे आप इजीली बैक कैमरे से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोन लगा के इसके अंदर आप बैक कैमरे से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बैक कैमरे से ब्लॉगिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि बैक कैमरे से हमें क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है एंड इसे हम अपने आप को भी एक साथ कवर कर सकते हैं एंड बिना वीडियो को रोक के कैमरे को उधर साइड करके ऑपोजिट साइड भी दिखा सकते हैं। तो इससे ईजिली हम अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं और आपको मार्केट से मिल जाएगा आपको 250 रुपये का और ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको सेम प्राइस में। एंड इसको हम जैसे मर्जी एडजस्टेबल आइए तो जैसे मर्जी हम ऐसे पूरा ऐसे कर सकते हैं, करोड़ करोड़ सकते हैं जैसे मर्जी। एंड ये सिनेमेटिक शॉट्स के लिए भी बहुत बढ़िया काम आता है। एंड गाइस एक बात और, अगर आप इसको अमेजोन से मंगा रहे हैं तो ध्यान से देख के मंगाना इनके पूरे साइज़ देख के। ये 10 इंच का है मेरे ख्याल से, 10 इंच का है। तो इससे एक बिल्कुल छोटा होता है, वो इतना सा होता है तो उनका बीच का डिफरेंस पता नहीं चलता फ़ोटो में। पर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो देख के मंगाना एंड उसको साइज़ वगैरह देख के मंगाना। तो बाकी हमें ईजिली अपनी मार्केट से मिल जाएगा बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। ओके ओके सो भाई तब बात कर लेते हैं इस ट्राईपॉड की। सो ये ट्राईपॉड है मीडियम साइज़ का, एक आता है इससे बड़ा वो होता है ब्लैक रंग में। सो अभी ये इतना सा है, अभी ये बहुत इजी टू कैरी है। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो कितना बड़ा रहता है दिखाता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा बन चुका है। पहले ये कुछ छोटा सा था, सिर्फ इतना सा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा बन चुका है। तो इसको लोग ज़्यादातर फोटोग्राफी एंड टिकटॉक वीडियोस और यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि नया नया स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ को, या टिकटॉक पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, या फिर वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो इसको हटा के कैमरा भी लगा सकते हैं। सो गाइस मेरे पास बहुत टाइम से है एंड मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत सही चीज़ है। एक इससे बड़ा आता है वो थोड़ा इससे महंगा भी आएगा और साइज में बड़ा भी होएगा। ओके तो मैंने तो अभी यही लिया है, ये एल्युमिनियम और थोड़े इसमें प्लास्टिक है सिल्वर कलर का, जो कि ब्लैक रंग का होएगा वो पूरा लोहे का होएगा, ये लोहे वाला नहीं है। ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, अभी हम इसको बंद करते हैं। तो बंद करने से पहले मैं बता दूँ कि इसके यहाँ पर ये लगी हुई है रबड़, तो ये रबड़ इसलिए लगाई है ताकि इनकी ग्रिप बनी रहे अगर हम इसको नीचे रखते हैं, ताकि इनकी ग्रिप्स बनी रहे। तो मैं इसको फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको फिर से, बंद कर देंगे यहाँ पे लॉक से, लॉक को खोल लेंगे। कभी भी गाइस लॉक खोले बिना इनको बंद मत करना, या इनको अगर ये लॉक है तो इनको सीधा मत खींच के निकाल देना वरना ये अलग हो जाएंगे इससे। तो इसको बंद करते हैं, दिखा देता हूँ ये लॉक्स हैं इसके। सो अभी आप देख सकते हैं ये कितना छोटा बन चुका है। इसको हम अपने ट्रैवल करते समय इसको इजीली हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन तो ब्लॉग बनाने के लिए हम गोरिल्ला पॉड यूज़ कर सकते हैं और गोरिल्ला पॉड बहुत छोटा है उसको भी हम इजी कैरी कर सकते हैं इसको भी। ओके जिनके पास गोरिल्ला पॉड नहीं होता वो इसी के साथ ब्लॉग बनाते हैं, तो इसी बहुत यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। सो अभी थोड़ा सा इनका परचेस कर लेते हैं गोरिल्ला पॉड एंड ट्राईपॉड का, चलो करते हैं। वैसे तो दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा परचेस करेंगे देखते हैं कितना है। तो अभी इसके थोड़ा वर्सेस करके देखते हैं, पता करते हैं कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। वैसे तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं लेकिन फिर भी हम करेंगे, तो चलो करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों एक दूसरे के बराबर में लगा दिए हैं, तो
इनके बीच में पहला डिफरेंस तो ये आता है कि इनका साइज़, तो ये बंदों के भी इतना बहुत लंबा है एंड ये मीडियम साइज़ है ये गोरिल्ला पॉड का, तो ये इतना ही रहता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब ये इतना ही रहेगा, ठीक है ना, इसको हम और ओपन नहीं कर सकते, तो ये वहीं पे छोटा है। तो ये ब्लॉग्स बनाने का काम आता है एंड इससे हम देखते हैं यूट्यूब की या टिकटॉक वीडियोज़ भी इससे ईजिली बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ ब्लॉग से काम आता है एंड ये ईजी टू कैरी है, इसको हम बैग के बैग में रख सकते हैं या बैग में जहाँ पे वाटर बॉटल डालते हैं वहाँ पे भी हम इसको ईजिली रख सकते हैं, तो ये वहाँ नहीं आएगा, इसको हमें बैग में ही रखना होगा। तो गाइस ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में, बाकी ये दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, कंपटीशन नहीं है, ये ब्लॉगिंग काम आता है, ये ब्लॉगिंग नहीं कर सकता एंड ये ट्यूटोरियल वीडियोस काम आता है, टिकटॉक वीडियोस काम आता है, लेकिन ये टिकटॉक वीडियोस नहीं बना सकता, इसके अंदर हम ऐसे टिकटॉक वीडियोस नहीं बना सकते, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। सो गाइस ये वीडियो मैंने थोड़ी हल्की सी टाइम पास के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियोज़ डिले हों इस लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने घर बैठे जो मैं ब्लॉग्स बना सकता हूँ वो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। ओके, तो ये गोरिल्ला पॉड बिल्कुल नया है अभी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, मेरा जो ट्राईपॉड है ये थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी याद वीडियो बना दी, दोनों का वर्सेस किया है। ओके, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी टाइम पास हो जाए, बिकॉज अभी लोग घर पे हैं तो यूट्यूब या टिकटॉक ही देखते हैं, तो यूट्यूब पे वीडियोस देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना एंड नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।